बारिश के बाद कोटा शहर में सड़कों पर बने गड्ढों से जनता को स्थायी राहत सितंबर के बाद मिल पाएगी। बारिश के मौसम को देखते हुए फिलहाल यूआईटी द्वारा गड्ढों को अस्थायी तौर पर भरवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जहां पर बड़े गड्ढे हैं वहां पर मिट्टी और गिट्टी डलवाकर उन्हें भरा जा रहा है ताकि सड़क हादसे ना हो। शहर की टूटी सड़कों के बाद की जाए तो शायद ही ऐसा कोई रोड सही सलामत बचा है जिसमें बारिश के कारण गड्ढे ना हुए हों। कई जगह पर बारिश के कारण गहरे गड्ढे हो गए हैं तो कहीं पर डांबर निकलने की वजह से गिट्टियां सड़कों पर फैली हुई है। इससे सड़क हादसों का अंदेशा बना हुआ है। यूआईटी उप सचिव चंदन दुबे के अनुसार बारिश का दौर थमने के बाद शहर की सड़कों को स्थायी रूप से मरम्मत करके चकाचक कर दिया जाएगा। इसके लिए यूआईटी के पास सड़क निर्माण के लिए सालाना बजट रखा जाता है और उसका उपयोग निर्माण के लिए फंड किया जाएगा। शहर में जितने भी अतिवृष्टि से जो भी नुकसान हुआ है सड़कों को और पुलियाओं वगैरह को, नालों को, उन सब का सर्वे हमारे द्वारा करवा लिया गया है और उसके बरसात का सीजन जो है वो अगर जैसे चला जाएगा उसके बाद तुरंत बाद जो भी रेस्टोरेशन वर्क है वो करवाया जाएगा। अभी प्रारंभिक तौर पे सर कुछ मिट्टी वगैरह नहीं, सभी सड़कें मोटरेबल हैं इस समय। अगर जहाँ पर कोई विशेष समस्या आ रही है उसमें उनका गड्ढों को भरवाया जा, अस्थायी रूप से भरवाया जा रहा है, लेकिन स्थायी रूप से उसकी रिपेयरिंग बरसात के बाद